हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम बैक टू ऑलिफ माइ से पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दो बातें कहनी है मुझे पहली बात तो ये आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के किसी ना किसी सेट में आज के पेपर से मतलब आज के करंट अफेयर से क्वेश्चन छपा हुआ है जैसा पहले भी मैंने कहा है अगर मैंने बोला कि कोई क्वेश्चन छपा हुआ है तो आप देखेंगे जो मेरा एनालिसिस कहता है कि वो क्वेश्चन वाकई में आपको एग्जाम में मिलेगा अभी रिसेंटली जो एस बी आई मेन्स हुआ है उसमें के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन कहे थे कि ए, ये क्वेश्चन आएंगे और डेफिनेटली वहां पर आपको वो क्वेश्चन देखने मिले होंगे इस बात का प्रूफ मैं आपको कल लेकर आती हूँ कल हम Uh, उन क्वेश्चंस पे बातें करेंगे जो रिसेंटली अभी एस में पूछे गए हैं और जो हमारी डेली करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स से हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं जनवरी मंथ से पढ़ा रही हूँ भले ही मुझे लास्ट फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस है करंट अफेयर्स में लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मैं पिछले महीने से ही हूँ तो मैं आपको जनवरी और फरवरी मंथ से जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए हैं एस में वो कल आपको दिखाती हूँ ठीक है तो आज का सेशन पहली चीज हो गया खास है अब बात करते पीडीएफ तो पीडीएफ आपकी रिक्वेस्ट पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे सिंपली सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो यहां से आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा क्लियर तो जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि आज हमें बात करनी है टाइगर्स के बाद लेपर्ड्स की सबसे पहले हमने टाइगर्स की बात की थी फिर हमने स्नो लेपर्ड की बात की थी और आज हम लेपर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट पे भी हमें डिस्कशन करना वीडियो केन्नर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं क्लियर है ओके सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन से कल मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने कहा था रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है मेरा पहला वोट देश के लिए जिससे हमारी कंट्री के यूथ को इनकरेज किया जा सके आ, कि आपका एक राइट right है वोट करना और आ, अगले जो लोकसभा इलेक्शन है आप उसमें पार्टिसिपेट करो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारा जो शिक्षा विभाग है उन्होंने इस कैंपेन को कंडक्ट किया था बिटवीन द ट्वेंटी फरवरी से 6 मार्च के बीच में एक कैंपेन रन हो रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सो बहुत सारे स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर था वैसे ही आज भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का हम करेंट अफेयर्स फाइनली गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है टू सेट अप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ओके इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस सेटअप किया जा रहा है कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और जिसके लिए बजट रखा गया है वन फिफ्टी करोड़ रुपीज वन फिफ्टी करोड़ रुपीज यूनियन गवर्नमेंट ने बजट दिया है फॉर द पीरियड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट क्लियर जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा जैसे आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव भी इंडियन गवर्नमेंट का था और इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है वैसे ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इनिशिएटिव भी इंडिया का और उसका हेडक्वार्टर भी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा मकसद क्या है मकसद ये है जो नाइन्टी कंट्रीज है अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पर ये सेवन बिग कैट्स पाई जाती हैं सेवन बिग कैट्स पाई जाती हैं ये सभी कंट्रीज इसकी मेंबर हों इसमें आके ज्वाइन करें और टाइगर्स को एंड जो सेवन विकेट्स हैं उनको प्रिजर्व करें उनको कंजर्वेशन दें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ये बेसिकली इसका एजेंडा है क्लियर तो आइए पूरी बातों को हम डिटेल में सीख लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है टू अप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कोलिशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज एंड अदर विथ हेड क्वार्टर इन इंडिया जिसके लिए वन टाइम बजट अलॉट किया गया है 150 करोड़ रुपीस अ पीरियड से ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट तक दो हजार तेईस चौबीस से दो हजार सत्ताइस अट्ठाइस मतलब पांच सालों के लिए बजट मतलब दिया गया है मकसद क्लियर है ग्लोबल नेटवर्क तैयार करना और टाइगर एंड अदर बिग कैट्स को कंजर्वेशन प्रोवाइड करना उनको कंजर्व करना यह इसका मकसद है अब सेवन बिग कैट्स कौन सी हैं और क्या भारत में सेवन बिग कैट्स पाई जाती हैं आंसर है नो इंडिया में केवल फाइव बिग कैट्स पाई जाती हैं जबकि टोटल कितनी है सेवन कौन कौन सा टाइगर लायन लेपर्ड स्नो लेपर्ड प्यूमा प्युमा एंड चीताज ये सेवन बिग कैट्स है जिनमें से फाइव इंडिया में है टाइगर लायन लेपर्ड स्नो लेपर्ड एंड चीताज अब अब चीताज भी भारत में है राइट तो ये बातें हैं चलिए अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर भी है क्योंकि कोई भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो उसका एक सेक्रेट्रियट होता है एक हेडक्वार्टर होता है उसके अलावा जनरल असेंबली होती है जिसके बाद उनकी मीटिंग्स होती हैं काफी कुछ करना होता है राइट right? तो यहाँ पर भी कम्पोजिशन कंपोजिशन की बात की है गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया है गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर द इंटरनेशनल बिग कैटेलाइंस इंक्लूड अ जनरल असेंबली जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज होंगे उसका एक जनरल असेंबली तैयार किया जाएगा जनरल असेंबली में एक सेक्रेटरी मतलब जनरल असेंबली का एक सचिव होगा ठीक प्रोजेक्ट टाइगर के इन नाइन ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी अप्रैल दो को 50 साल कंप्लीट हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि हम इंटरनेशनल बिग कैटालाइंस फॉर्म करेंगे और फाइनली इसका फॉर्मेशन कर दिया गया है ठीक है अप्रूवल दे दिया गया है बहुत जल्दी हो जाएगा और जब हम यहां पे बात कर ही रहे हैं के so, interesting बात है कि टाइगर में भी फर्स्ट नंबर पे हमारा मतलब मेरा मध्य प्रदेश है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे एमपी के और लेपर्ड में भी फर्स्ट नंबर पे एम है ठीक है टाइगर में भी और लेपर्ड में भी तो आइए इनके सेंसेस पे हम डिस्कशन करते हैं कि हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितनी है लेपर्ड्स की ठीक है सो टाइगर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और अब तो हमारी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बन चुकी है तो ये जो सेंसेस है या ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए तो टाइगर का जो एनालिसिस है वो भी आप पढ़ के जाइएगा ठीक है श्री भूपेंद्र यादव रिलीज रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया तो अभी रिसेंटली भूपेंद्र यादव जी के द्वारा फिफ्थ साइकिल फिफ्थ नंबर नंबर का असेसमेंट आया है नंबर की साइकिल है जिसमें लेपर्ड की पॉपुलेशन को काउंट किया गया है ठीक है इस पूरे सेंसिस को या इस पॉपुलेशन एस्टिमेशन को किसने दिया इसे कैरी किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विद द कोलेबरेशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन सब ने मिलकर इसे कैरीड आउट किया और एक फिफ्थ नंबर का असेसमेंट है इस असेसमेंट में आया कि हमारी कंट्री में थोड़ा सा आप देखेंगे लगभग वन परसेंट वन पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट लैप की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी uh, 2018 का जो असेसमेंट था इसमें हमारे कंट्री में लेपर्ड की 12,852 थी और अब ये इंक्रीज होके 13,874 हो गई है अब आपको ये डेटा बिल्कुल याद रखना पड़ेगा ठीक है तेरह हजार आठ लेपर्ड हमारी कंट्री में है तो लगभग हमारे देश में 70 परसेंट एरिया और लगभग 20 स्टेट्स को कवर करते हुए ये असेसमेंट किया गया है आइए इस असेसमेंट के कुछ की हाइलाइट्स को देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का पॉइंट है कि 1.08 परसेंट एनुअल ग्रोथ रजिस्टर की गई है लेपर्ड की पॉपुलेशन में और इंडिया में लेपर्ड पॉपुलेशन 13,874 हो गई है सबसे ज्यादा लेपर्ड कहाँ है मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश पे 3907 लेपर्ड्स है फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र देन कर्नाटका एंड तमिलनाडु कई बार क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो टॉप थ्री स्टेट तो आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक मध्य प्रदेश का पड़ोसी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का कर्नाटक इन तीनों में सबसे ज्यादा लेपर्ट आपको देखने को मिलेंगे अब यहाँ पे जो असेसमेंट हुआ है वो उसमें 20 स्टेट्स को तो कवर किया ही है इसके अलावा हमारे फोर ज्योग्राफिकल एरियाज जैसे कि वेस्टर्न घाट शिवालिक रेंज इनको भी कवर किया है तो इसमें पाया जो सेंट्रल एरिया है जो सेंट्रल इंडिया है उसमें लेपर्ड की ग्रोथ सबसे ज्यादा है वहीं जो शिवालिक एरिया है वहां पे लेपर्ड की ग्रोथ डिक्लाइन हुई है उनकी संख्या में कमी आई है ऐसा ये असेसमेंट कहता है इसमें कहा है कि सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रजिस्टर की गई है ग्रोथ रजिस्ट्रेशन किया गया है सेंट्रल इंडिया में वही शिवालिक और गेंगेटिक प्लेन में माइनस मतलब डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर आपका लेपर्ट की पॉपुलेशन ठीक है इतनी चीजें क्लियर है ओके अब बात कर लेते हैं हम वो साइट्स वो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व जहां पे सबसे ज्यादा लेपर्ट्स हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है नागार्जुन सागर श्री सेलम आंध्र प्रदेश में है इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व ज इन मध्य प्रदेश एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा ये वो तीन एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है जैसा कि मैंने कहा कि बीस राज्यों में असेसमेंट किया गया था ठीक है और चार आपकी जोग्राफिकल लोकेशन थी कौन कौन सी वेस्टर्न घाट शिवालिक रेंज नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और आपका सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर की गई और शिवालिक रेंज में माइनस थ्री पॉइंट फोर मतलब डिक्लाइन यहाँ पे परसेंटेज हुआ है लेपर्ट का कुछ समय पहले भूपेंद्र यादव जी ने ही स्नो लेपर्ड का भी असेसमेंट हमारे सामने लाया था और ये अपने तरीके का पहला असेसमेंट था जब स्नो लेपर्ड की काउंटिंग हमारी कंट्री में की गई थी और पाया गया था इस असेसमेंट में कि हमारी कंट्री में सेवन वन एट स्नो लेपर्ड है और स्नो लेपर्ड भी आपको पता है कि ये बिग कैट के पार्ट है ठीक है तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया में हुआ था जिसमें हमें पाया गया कि 718 वन एट स्नो लेपर्ड भारत में है और सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे लद्दाख में भी कहा आपका हैमिस नेशनल पार्क में हैमिस नेशनल पार्क में कितना है फोर फिर उत्तराखंड देन हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर भी आप टॉप थ्री स्टेट याद रखेंगे लद्दाख उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटका में लेपर्ड ठीक है चलिए तो ये हमारी एक रिपोर्ट कंप्लीट होती है अगली जो रिपोर्ट या अगला जो असेसमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने दिया है ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिलीज सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप रवि एंड खरीफ सीजन तो अब आने वाले समय में मतलब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में कितना हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होगा खरीफ की क्रॉप एंड रबी की क्रॉप का राइस का प्रोडक्शन कितना होगा वीट का प्रोडक्शन कॉटन सोयाबीन का प्रोडक्शन क्या होगा इसका एस्टिमेशन पहले ही दे दिया जाता है कि इतना हमारी कंट्री में इस साल का प्रोडक्शन होगा हालांकि इस साल वेदर उतना अच्छा नहीं रहा आपका रेनफॉल भी कम रहा आपका अनों का इफेक्ट भी हमारी कंट्री में रहा जिसके कारण हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है ऐसा इस रिपोर्ट में इस

तो कुछ हाईलाइट्स ही मैंने कवर किए हैं क्योंकि असेसमेंट तो आप जानते बहुत लेंथी होता है इतनी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है और पढ़ना भी जरूरी नहीं है ठीक है ओके okay. तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का रिवील किया है फॉर द ईयर थ्री एंड ट्वेंटी इन्होंने कहा है हमारी कंट्री में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 6.1 परसेंट डिक्लाइन हुआ है ठीक है जुलाई जून जुलाई का असेसमेंट था उसके कंपैरिजन में 6.1 परसेंट हमारी कंट्री में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम होगा बिकॉज ऑफ द पुअर मॉनसून कॉज्ड बाय द अल नीलो वेदर फिनोमिना ठीक है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द 23-24 इज एस्टिमेटेड टू बी 309 मिलियन टन तो 2023-24 में आप देखोगे हमारे देश में जो तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा मतलब रवि की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप को आप इंक्लूड कर लीजिए तो टोटल होगा 309 मिलियन टन जबकि इसके पहले जो असेसमेंट हुआ था 2022-23 में हमारी कंट्री में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 329 मिलियन टन था तो आप देख सकते हैं लगभग सिक्स परसेंट डिक्लाइन हुआ है इस साल बिकॉज ऑफ द पुअर मॉनसून कंडीशन है खरीफ फूड ग्रेन का टोटल प्रोडक्शन क्या रहेगा क्या एस्टिमेशन किया है तो वन फाइव फोर वन लाख मेट्रिक टन होगा आपका खरीफ का क्रॉप और रवि का क्रॉप होगा वन फाइव फाइव वन लाख मेट्रिक टन तो पंद्रह सो इकतालीस और पंद्रह सो इक्यावन है तो आपको एक थोड़ा सा राउंड फिगर याद रखेगा फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी के आसपास कोई डेटा है रवि और खरीफ के क्रॉप के लिए ठीक है ये एस्टिमेशन किया गया है अब हम बात करते हैं वीट के प्रोडक्शन के बारे में सो so, वीट का प्रोडक्शन एस्टिमेट किया गया है वन लाख मेट्रिक टन श्री अन्न श्री अन्न का मतलब होता है मिलेट आपके मोटे अनाज ज्वार बाजरा मक्का तो श्री अन्न खरीफ के सीजन के लिए एस्टिमेट किया गया है वन ट्वेंटी एट लाख मेट्रिक टन और वही रबी के सीजन के लिए इसको एस्टिमेट किया गया है ट्वेंटी फोर पॉइंट एट लाख मेट्रिक टन शुगर केन की बात करते हैं गन्ना सो so, गन्ना फोर्टी फोर ठीक है 4464 फोर सिक्स फोर आपका शुगर केन का जो है प्रोडक्शन रहेगा इतना लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन रहेगा ये जो असेसमेंट हुआ है या जो एस्टिमेशन किया गया है इसका डेटा बेसिकली रिसीव किया गया था फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर स्टेटिक्स अथॉरिटीज के द्वारा वहीं अगर हम राइस की बात करते हैं तो खरीफ के सीजन में राइस का प्रोडक्शन होगा वन 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 फोर लाख मेट्रिक टन वहीं रबी के सीजन में भी राइस का प्रोडक्शन होगा वन टू थ्री लाख मेट्रिक टन जनरली खरीफ के सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपका राइस का ठीक है तो अगर हम बात कर लेते हैं रवि और खरीफ की क्रॉप के बारे में तो रवि क्रॉप क्या होती है जनरली रवि क्रॉप ठंड के समय इनको ग्रो किया जाता है ठीक है तो रवि क्रॉप आर शोन ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर जब हमारे देश में ठंड जनरली होती है अक्टूबर नवंबर में द एंड ऑफ द मॉनसून और इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल में जैसे कि रवि की, की क्रॉप है आपके वीट गेहूं याद है ना हमारे गर्मियों की छुट्टियों में घरों में गेहूं आते हैं तो गेहूं इस तरीके से याद रखेंगे गेहूं क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम इसका समर है तो उस समय इनकी कटाई होती है हार्वेस्टिंग होती है और गेहूं हमारे घर आते हैं वैसे अगर खरीफ की क्रॉप की बात करें तो खरीफ की क्रॉप लगाई जाती है समर में मतलब जून जुलाई में इसको लगाया जाता है और हार्वेस्टिंग टाइम इसका होता है सेप्टेम्बर अक्टूबर क्लियर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भटका दिया था इस रिपोर्ट ने वापस से हम नेशनल न्यूज पे जंप करते हैं ठीक है नेशनल न्यूज गवर्नमेंट स्कीम्स और एमओयू को हमें डिस्कस करना है अब यहाँ पर एक और स्कीम न्यूज में है जिसका नाम है पीएम किसान पीएम किसान का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 99 परसेंट है ठीक है इतना आप मान के चलिए हालांकि प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में होती है तो वन परसेंट आप ले लीजिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान का फुल फॉर्म है इसका सिक्सटींथ इंस्टॉलमेंट रिसेंटली रिलीज किया गया है ट्वेंटी करोड़ रुपीज का इन महाराष्ट्र बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक है तो इससे हमें मतलब नहीं है कि सोलवा इंस्टॉलमेंट है इक्कीस हजार करोड़ रुपए का भेजा गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीएम किसान स्कीम क्या है कब लॉन्च की गई थी क्या है ये स्कीम वो हम देख लेते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि परियो, परियोजना ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है ठीक है और इसे लॉन्च किया गया था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ एफ टू थाउजेंड नाइनटीन में दो हजार 19 में इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है ₹6000 पर ईयर रुपए हर साल तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर किए जाते हैं फार्मर्स के अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कोई भी मैटर ही नहीं पड़ता कि आपका खेत या आपकी जोत कितनी बड़ी है यहां पे डायरेक्टली इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग यहां पे जो फार्मर्स होते हैं उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है और अब तो भाषणी एप्लीकेशन के साथ भी पीएम किसान स्कीम को इंट्रीग्रेट कर दिया गया है टू तो प्रोवाइड फार्मर इंफॉर्मेशन इन देयर नेटिव लैंग्वेज तो फार्मर्स अपनी ही भाषा में जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो भाषणी एप्लीकेशन उनको प्रोवाइड करता है ठीक है अब यहाँ पर जब महाराष्ट्र गए थे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ और प्रोजेक्ट लॉन्च किए ही होंगे सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो डेडिकेटेड तो नेशन 51 इरिगेशन प्रोजेक्ट 51 इरिगेशन मतलब सिंचाई प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया है महाराष्ट्र में जिसके कारण सिंचाई की व्यवस्था होगी सिंचाई की सुविधा मिलेगी विधर्व रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ द महाराष्ट्र ठीक है इसके लिए बजट है 2750 करोड़ रुपीस और 51 इरिगेशन प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड बाली राजा जल संजीवनी योजना के अंतर्गत काम करेगा और लगभग अस्सी हजार हेक्टेयर का एरिया कवर होगा जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी सिंचाई की व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी अब यहां पर एक और स्कीम डिस्कस हो गई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू में सॉरी दो में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसका मकसद है 2024 तक 2024 तक हर एक फार्मर्स के पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी सिंचाई की सुविधा हो ठीक है अब एक और स्कीम है और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ठीक है मिलेगा एग्जाम में हम बात कर रहे हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में हालांकि इसका लॉन्च थर्टींथ ऑफ एफ ट्वेंटी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था फिर फाइनली इसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ठीक है क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होता है कैबिनेट ही तो बजट को अप्रूव करती है इसलिए कैबिनेट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है सो कैबिनेट अप्रूव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फॉर इंस्टॉलिंग रूफ टॉफ सोलर इन द वन करोड़ हाउस होल्ड एक करोड़ लोगों के घरों के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ठीक है और फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी जिसके लिए टोटल बजट आया है देखो 75,000 करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेट सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज का बजट यहां पे अनाउंस किया गया है ठीक है अब यहां पे कुछ और डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ दर्टी थाउजेंड फॉर वन किलो वॉट सिस्टम इसको भी एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा है और क्या कहना चाह रहा है ये ठीक है अभी जो रेसिडेंशियल रूफ टॉफ सोलर है अगर आप इसको इन, इंस्टॉल करेंगे तो किस तरीके से, से सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस पे डिस्कशन किया गया है तो पहली चीज तो आप अपने घरों के ऊपर जो रूफटॉप इंस्टॉल करते हैं उनकी कैपेसिटी वन किलो वॉट टू किलो वॉट और थ्री किलो वॉट हो सकती है लेकिन थ्री किलो वॉट का कैप सेट किया है उसके ऊपर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप करो लेकिन हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट थ्री किलो वॉट तक का ही प्रोवाइड करेंगे पहली चीज ठीक है नेक्स्ट है वन क्लो वॉर्ड सिस्टम के लिए थर्टी थाउजेंड की सब्सिडी है टू क्लो वॉर्ड के सिस्टम के लिए साठ हजार की है और थ्री क्लो वॉर्ड सिस्टम या उसके ऊपर आपको सेवेंटी एट थाउजेंड रुपीज की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ये बात यहां पर बोली गई है क्लियर है अब यहाँ पे जो भी हाउस होल्ड है जो कि अपने घरों पर रूफ पैनल रूफटॉप पैनल सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडीज को थ्रू द नेशनल पोर्टल ठीक है और किसी एक वेंडर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके जरिए आप अपने घरों में रूफटॉफ पैनल्स को इंस्टॉल कराना चाहते हैं सिंपल सी बात है चलिए अब यहाँ पर हमें दो तीन एम पर डिस्कशन करना है पहला एम साइन किया गया है बिटवीन द आई आई टी एंड एन ठीक है क्या है पहले इनको हम फुल फॉर्म जान लेते हैं फिर एमओ किसके रिगार्डिंग है वो देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे कि एम से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं

ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करने में साथ में काम करेंगे एरिया का असेसमेंट करेंगे कि कौन से वो एरियाज है जहां पे हमें ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को तैयार करना है यूजिंग द टूल ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल ठीक है तो ग्रीन फील्ड सिटीज को तैयार करने के लिए दोनों यूनिट्स के बीच में बेसिकली एमओयू साइन किया गया है क्लियर बस इतना ही पढ़ना है क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी सा आएगा देखो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइन विद टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी सिंपल सी बात है ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहरों के विकास के लिए किस आई के साथ समझौता हुआ है आंसर हो जाएगा आई आई टी क्लियर है ना बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा इसमें आपको घुमा फिरा के बातें नहीं पूछी जाती नेक्स्ट अब एक और एग्रीमेंट हुआ है लेकिन ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है ठीक है सो एन आई ए मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आयुर्वेद मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर एंड द थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन डिपार्टमेंट ने एक एमओयू साइन किया है तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में मतलब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये एग्रीमेंट साइन किया है ठीक है इस एग्रीमेंट का मकसद क्या है आयुर्वेदा को ट्रेडिशनल नॉलेज को ट्रेडिशनल मेडिसिन को बूस्ट करना और इंडिया को एक मेडिकल हब बनाना इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा ठीक है आप लोग अभी प्रीवियस भी हमने जो भी स्कीम्स देखी आपने देखा कि हर कहीं आपको आयुर्वेदा इंटरवेंशन देखने को मिलेगा कि आयुर्वेदा का इस्तेमाल किया जाएगा चाहे वो आपका अनिमिया से लड़ना हो कैंसर से लड़ना हो ठीक है तो आयुर्वेदा को हम प्रमोट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोट कर रहा है इसलिए एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी टेक्नोलॉजी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज किया जाएगा हमारी कंट्री से स्टूडेंट उनकी कंट्री में टीचर्स उनकी कंट्री में जाएंगे ट्रेनिंग और स्टाइफ फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी तो यह है बेसिकली प्रोग्राम ठीक है ऑल्सो स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन क्वेश्चन कैसा होगा बड़ा इजी सा होगा Recently, the National Institute of Ayurveda signed an agreement with which country to promote Ayurveda and Thai traditional medicine? So answer हो जाएगा Thailand. Simple. ठीक. अब बात कर लेते हैं एक और merger के बारे में. सभी लोगों ने Walt Disney, Disney Hot Star के बारे में सुना होगा और Reliance Group को भी सभी लोग जानते हैं. इन दोनों का जो media broadcasting platform है उसका merger हुआ है जिसमें 61% stake रिलायंस के पास है एंड रिमेनिंग थर्टी नाइन परसेंट स्टेक आपको डिजनी वर्ल्ड के पास देखने को मिलेंगे ठीक है, आइए हम पूरी बात को यहां पर समझ लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री एंड वॉल्ड डिजनी साइन बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर मीडिया मर्जर इन इंडिया इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने लगभग 31,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर थर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीस यहाँ पे दिए हैं किसको डिज्नी को और सिक्सटी वन परसेंट स्टैक को एक्वायर किया है और रिमेनिंग थर्टी नाइन परसेंट स्टैक किसके पास होंगे वॉल्ड डिज्नी के पास होंगे ठीक है ऐसा क्यों इससे फायदा क्या होगा तो देखिए ये तो समझ में आ गया शेयर होल्डिंग रिलायंस मीडिया की 61% परसेंट है डिज्नी की 39% परसेंट है एडवांटेज क्या है इसमें रिलायंस को और डिज्नी को तो डिज्नी को है कि रिलायंस इसको सब्सक्राइबर रिटेन करने में मदद होगी और इंडिया के मार्केट में भी अपनी जगह बना पाएगा हालांकि अभी भी जगह है और अच्छा यहाँ पे अपनी जगह बना पाएगा कैप्चर कर पाएगा लोकल मीडिया को ठीक है रिलायंस को क्या है तो रिलायंस की एक ग्लोबल लेवल पे उसका मीडिया हाउस ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर पाएगा क्योंकि डिज्नी ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में है तो रिलायंस भी इसकी मदद से ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस अपनी बढ़ा सकता है सब्सक्राइबर बेस मिल जाएगा डिज्नी हॉट स्टार का इसको ठीक है और कॉम्पिटिशन को भी एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी इसलिए मर्जर हुआ है ठीक है चलिए बात करते हैं दो स्टेट्स के बारे में पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो जम्मू में रिसेंटली तबी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है चार दिनों का फेस्टिवल है एक मार्च से लेकर चार मार्च तक जम्मू में आपको ये यूनिक फेस्टिवल देखने को मिलेगा जहाँ पे जम्मू के यूनिक आर्ट कल्चर को सो किया जाता है तो कल्चर एंड हेरिटेज फेस्टिवल है तवी फेस्टिवल नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड तो नागालैंड में अभी रिसेंटली बजट पास हुआ है और बजट में कुछ बातें कही गई हैं तो नागालैंड गवर्नमेंट यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है, है प्रेजेंट किया है इन द बजट ट्वेंटी फोर ठीक है क्या है ये स्कीम देखिएगा जैसे कि कोई फैमिली है और किसी फैमिली में कोई उस फैमिली का को कोई प्राइमरी अर्नर है जैसे कि एक परिवार है जिसमें माता पिता और उनके दो छोटे बच्चे हैं और

उसका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल एंड डेथ कवरेज के साथ साथ जो फैमिली के तीन और व्यक्ति हैं उनको भी लाइफ इंश्योरेंस एंड कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है ये बात यहाँ पे कही गई है बाय प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर द प्राइमरी अर्नर एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज फॉर द थ्री एडिशनल फैमिली मेंबर ठीक है लाइफ इंश्योरेंस कवर दो लाख रुपए का होगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एवरी पर्सन के लिए दो लाख रुपए का यहाँ पर होगा क्लियर इसके अलावा यहाँ पे नागालैंड ने इस पूरे स्कीम में जो प्रीमियम होता है उसको भरने के लिए पंद्रह करोड़ रुपए का बजट रखा है फिफ्टीन करोड़ रुपए का बजट लाया है बिसाइड द लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अलोकेशन हाइक टू द करोड़ रुपीज फ्रॉम दन करोड़ रुपीज फॉर ईच कॉन्स्टिटेंसी हर एक निर्वाचन क्षेत्र में जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अलॉट किया जाता है उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र का विकास करने के लिए वो एक करोड़ रुपए था उसको बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दिया है नागालैंड गवर्नमेंट ने क्लियर चलो नाउ मूव करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। इंटरनेशनल न्यूज़ को समझने से पहले थोड़ा सा हम मैप को समझते हैं ठीक है यह है हमारा प्यारा भारत सभी को पता है और हमारा एक और प्यारा सा पड़ोसी है विच इज़ चाइना ठीक है और चाइना लगातार इंडियन ओशियन में अपनी पावर को इन्हांस करने की कोशिश करता रहता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर श्रीलंका में है हमन कोट्टा पोर्ट तो हमन कोटा पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन एक तरीके से चाइना का है क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस में है श्रीलंका चाइना का उस उसपे बहुत ज्यादा लोन है कर्ज है इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका ग्वादर पोर्ट तो इस तरीके से आप इंडियन ओशन पे निगरानी रखने का काम चाइना करता है और एक तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश करता है तो इंडिया को भी तो कुछ करना चाहिए तो हम ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पर आपको एक और देश देखने को मिलता है आइलैंड नेशन विच इज मॉरिशियस मॉरिशियस का अपना एक आइलैंड है जिसका नाम है अगेलगा आइलैंड ठीक है अगेलगा आइलैंड यहां पर एयर स्ट्रिप बनाई है इंडियन गवर्नमेंट ने इससे इंडियन गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा इससे फायदा यह होगा पहले तो उसको जब एयर स्ट्रिप होगी तो यहां पर अपने एयरक्राफ्ट को वो डिप्लॉय कर सकता है इंडियन ओशियन में निगरानी रख सकता है चाइना की पावर को काउंटर कर सकता है ट्रेड को बूस्ट कर सकता है और ट्रेड की सिक्योरिटी भी होगी कार्गो वगैरह है कहीं पायरेट वगैरह हमला ना कर दे तो एक सिक्योरिटी पर्पस भी है तो इसलिए यहां पर ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वर्चुअली रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है ठीक है बात समझ में आ गई कि मामला क्या था क्यों हमारे लिए मॉरिशियस और मेडागास्कर और यहाँ के जो भी आइलैंड है वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको समझ में आ रहा होगा चाइना की वजह से सो इंडिया एंड मॉरिशियस इनोग्रेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एट अगेलगा आइलैंड तो दोनों ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है रिसेंटली किस किस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्रवीण जगन्नाथ इन दोनों के द्वारा रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है न्यू एयर स्ट्रिप जो कि लगभग थ्री किलोमीटर का है एंड सेंट जैम जैटी की शुरुआत की है और सिक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है मॉरिशियस में इन तीनों प्रोजेक्ट पे वर्क सिंस 2015 से काम कर रहा है एयर स्ट्रिप और बेस बनाने से फायदा क्या होगा तो फायदा क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फायदा क्या क्या होगा इंडियन गवर्नमेंट को ओके डन सो अब बात आती है आपकी क्वेश्चन है आंसर आपको करने हैं ठीक है थोड़ा फास्ट क्वेश्चन रीड करने की कोशिश कीजिएगा पहला क्वेश्चन है रिसेंटली मॉर्गन स्टैंडली रिसर्च सेट इन इट्स रिपोर्ट टाइटल इंडियन इकोनॉमिक मैक्रो इंडिकेटर चार्ट बुक स्ट्रेंथ इन ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया ठीक है ये बेसिकली अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ कि मॉर्गन स्टेनली ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी उस रिपोर्ट का टाइटल था बेसिकली इंडियन इकोनॉमी मैक्रो इंडिकेटर चार्ट बुक स्ट्रेंथ इन ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन बड़ा इसलिए बताया जाता है जिससे आधा बच्चा तो क्वेश्चन आधा ही पढ़ता और कहता है यार तो लीक के बाहर है छोड़ दो जबकि सिंपल सी बात कही गई है कि एफ बाई ट्वेंटी फाइव और एफ बाई ट्वेंटी फोर में भारत का ग्रोथ कितना रहेगा इतनी सी बात है तो कितना रहेगा मैंने आपको बताया था देखिए 6.5 परसेंट इन एफ आई ट्वेंटी एंड 6.9 परसेंट इन एफ आई ट्वेंटी आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ये लेटेस्ट है इसका आप स्क्रीन लेना चाहते हो तो स्क्रीन ले लो पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा इसको आपको रटना है ठीक है ऑप्शन सी नेक्स्ट है किस फिनटेक कंपनी ने रिसेंटली अपना एक आ, एप स्टोर ओपन किया है जिसका नाम है इंडस एप स्टोर जो कि 12 भाषाओं में अवेलेबल है उस कंपनी का नाम क्या है तो जैसे कि प्ले स्टोर है वैसे ही एक ऐप स्टोर इंडस ऐप स्टोर फोन पे ने लॉन्च किया है ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे बनाया गया है तो रेनू सूद को बनाया गया है जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थी एच बैंक की ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट

ओके विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम याद आया आज ही डिस्कस किया है नागालैंड इज द राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलेशन इनिशिएटिव अनाउंस बाय द रिलायंस फाउंडेशन इन द जामगर गुजरात तो हमने देखा था कि वंतरा वंतरा एक रेस्क्यू सेंटर तैयार किया जा रहा है जामनगर में अनंत अंबानी जी के द्वारा घोषणा की गई थी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर

बेसल को किसने तैयार किया है किस कंपनी ने रेडी किया है सो आंसर हो जाएगा कोचीन ने. फिर जी सारी से न्यूज में है, वो तो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं हालांकिट कि कि किया था न्यू दिल्ली में इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन रेंगपो का फाउंडेशन स्टोन रखा है फिर इन्होंने इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु को लॉन्च किया था इसके अलावा कल की धाम टेम्पल उत्तर प्रदेश में भी फाउंडेशन स्टोन इसका भी रखा था इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कई वजह से न्यूज में थे वाई विच ईयर विद इंडिया स्टेब्लिश इट्स ओन स्पेस सेंटर इन स्पेस आंसर इज ट्वेंटी थर्टी तक हम ऐसा कर पाएंगे अब यहां पे एक प्लेयर है जिन्होंने फास्टेस्ट टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई है थर्टी थ्री बॉल्स पे हंड्रेड रन बनाए हैं जिनका नाम है जैन निकोल ईटर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आंसर हो जाएगा नमीबिया ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वहां पे भी आंसर किया है जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए तो बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ जाइए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश में और इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट है

इन ओवर सिक्स सेवेंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री तो रिसेंटली किसने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो उनका मासिक कार्यक्रम है एवरी मंथ 27 तारीख को हर महीने की 27 तारीख को बेसिकली ये प्रोग्राम शुरू करता है ये जिसका नाम है ईपीएफओपीएफओ का एक प्रोग्राम होता है निधि आपके निकट बेसिकली जो भी पेंशनर्स हैं उनके जो भी डाउट है या जो पेंशनर्स हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल सबमिट करना या जो भी क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस तरीके के कैंपेन किए जाते हैं तो इज द राइट आंसर ठीक है चलिए दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और थीम कवर कराई है उसी से क्वेश्चन यहां पर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट डेज और थीम से आते हैं तो फरवरी मंथ का पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं ओके सो so यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक अनाउंस किया था 26 ऑफ फेब से 1 ऑफ मार्च के बीच में तो थीम क्या रही है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की ठीक है 2016 से आरबीआई इस वीक को सेलिब्रेट करता है या एनुअली really इसको ऑर्गेनाइज करता है सिंस 2016 ठीक है आप बस थीम बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं अभी डिस्कशन करने के लिए काफी कुछ है संगीत नाटक अकादमी भी डिस्कशन करना है हमको वो हम सब कल करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर एंड बाय बाय